तो हेलो गाइस यार, आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू GD5 की वीडियो में। एंड गाइस पता है आज की ये वाली वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं? गाइस यार एकदम बोरिंग सा डे है आज ना यार, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग डे बनाने वाला हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे गाड़ियों से कितना ही शौक है और मुझे ये भी पता है कि आप लोग को भी गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा लगाव है और खास करके इंडियन कार से। और मुझे पता चला है ना, एक चाचा और एक चची ने भाई इंडियन कार लिया है, मतलब कि ग्रैनी और ग्रैंडपा ने इंडियन कार परचेज किया, महिंद्रा का एक स्कॉर्पियो और एक थार। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग की गाड़ी क्यों ना चोरी किया जाए। तो चलो अरे काम करते, आज के दिन यार मैं जाने वाला हूँ ग्रैनी के घर में और भाई चोरी करने वाला हूँ। भाई देखो आज मॉर्निंग हो रहा है, ग्रैनी का घर यहाँ से मतलब कि कुछ घंटे दूर ही है, तो वहां तक जाते जाते भाई शाम हो जाएगी। उसके बाद यार उसके घर के अंदर घुस करके उसकी गाड़ी की चाबी मैं लूंगा और उसकी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा ने लॉस सैंटोस के जितने भी लोग हैं सबको तंग करके रखा है, मुझे भी एक बार तंग किया था, इसीलिए वो लोग से बदला लेना तो बनता ही है। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन यार अगर मैं ऐसे वो लोग के घर जाऊंगा, अगर वो लोग दोनों मुझे देख लेंगे तो हो सकता गाइस यार वो मेरे घर आ जाए और ये मैं कतई नहीं जाता। उससे अच्छा है कि यार मैं ना भेष बदल लूं, मतलब कि यार मैं कपड़ा चेंज कर लूं। तो चलो एक काम करते, जल्दी से जाते भेष बदलते, कोई तगड़ा सा कपड़ा पहनते। कौन सा कपड़ा पहनूं? चोर वाला कोई आउटफिट पहनता हूं? ये वाला पहन लूं क्या? ना, एकदम लंगू पंगू लग रहा हूं। एक सेकंड गाइस यार, ये सही लग रहा है, लग रहा हूं ना प्रोफेशनल चोर, और नहीं तो क्या। तो चलो तो गाइस यार एक काम करते, यही वाले प्रोफेशनल चोर में जल्दी से जाते हैं भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा की गाड़ी चोरी करने के लिए। और भाई आप लोग देख करके शॉक हो जाओगे कि भाई इतनी खतरनाक इंडियन कार वो लोग के पास कैसे आ सकती है। तो आ जाओ यार, पता नहीं यार वो बूढ़े मतलब कि बूढ़ी ग्रैंडपा और ग्रैनी ने अपना पेंशन का पैसा जोड़ जोड़ करके भाई महिंद्रा की गाड़ी ली है और आज के दिन में वो गाड़ी चोरी करने वाला हूँ। सोच रहे हो कितना कमाल की बात है? अरे सब लोग सामने से हट जाओ भाई, आज मैं यार जाकर के वो लोग की गाड़ी चोरी कर लूंगा। देखते गाइस यार वो लोग का क्या हाल होता है अगर मैं वो लोग की गाड़ी चोरी करता हूँ। चलो ओए बूढ़े चाचा, ग्रैंडपा कहाँ मर गए? मेरी गाड़ी को कौन चमकाएगा? गंदी पड़ी है, जल्दी और गाड़ी को चमकाओ तो वरना मैं तुम्हें चमका दूंगी डंडे से मार मार के। ये औरत से मैं शादी करके पछता रहा हूँ, मतलब कि सच में जब मैं जिंदा था तब तो इसने मुझे सच में परेशान करके मार डाला, जब मैं मर चुका हूँ ये मेरी आत्मा से भी काम करा रही है। ए ऊपर वाले कब छुटकारा मिलेगा? पता नहीं आज के दिन ये बोल रही है इसकी गाड़ी साफ करूं मैं। अरे मेरी भी तो गाड़ी है, मैं रोजाना साफ थोड़ी ना करता हूँ, तुम्हारी गाड़ी रोजाना साफ क्यों करूं मैं? अगर नहीं करोगे तो मैं तुमसे करवा दूंगी डंडे मार मार के। अच्छा अच्छा करता हूँ। भाई साहब ये डंडे मारने लगेगी, बेलना से बेलना मारे लगेगी, बच्चा कुचा हड्डी है वो भी टूट जाएगा, उससे अच्छा सफाई कर देता हूँ। एक भी दाग शीशे में लगनी नहीं चाहिए, अच्छे से साफ करो अच्छे से। हाँ कर रहा हूँ, मेरे सिर में आके बैठ जाओगी क्या? बाप रे बाप, तुमने मुझे सच में पूरा परेशान करके रखा है, तुम्हारी गाड़ी को साफ करते करते तो मैं जरूर साफ हो जाऊंगा। मैं अंदर जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए, जब तक तुम साफ करो। तुम्हें तो पता है कि मैं रात को पूरा काम करती हूँ, दिन में मुझे बहुत नींद आती है, चलो सोने चलती हूँ और गाड़ी को कुछ होना नहीं चाहिए। चलो आराम से सो जाती हूँ। आज सच में गाइस यार ग्रैनी और ग्रैंडपा की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि ये लो मैं फ्रैंकलिन आ गया, उसका घर तो आसपास ही था। अरे हाँ यार वो देखो सामने ही रहा, चलो और इसका घर जल्दी से जाते हैं। और भाई इसका घर जाने के बाद इसकी गाड़ी मतलब कि इसकी चमचमाती हुई नई गाड़ी चोरी कर लेंगे। ग्रैनी और ग्रैंडपा चिंता मत कर, मैं तुम लोग दोनों की गाड़ी चोरी करूंगा। चलो तो गाइस यार ये देखो ये है सामने घर, एक सेकंड गाड़ी यहीं पे लगा देता हूँ, ये लोग को मैं दिख ना जाऊं। और एक सेकंड गाइस यार यहाँ से मुझे कोई दिख रहा है, कोई बाहर में है क्या? जरा चेक किया जाए। भाई यार जरा चेक किया जाए कि कौन है यार यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस यार देख रहे हो भाई, ग्रैंडपा भाई ग्रैनी की गाड़ी साफ कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा मौका है ग्रैंडपा को बेकू बनाने का और भाई इसकी गाड़ी चोरी करके भाग जाने का। चलो एक काम करते इसे बेकू बनाता हूँ। अरे भैया जी, ओ भैया जी, क्या आप अपनी गाड़ी को साफ करते करते हो गए हो परेशान? हाँ जी हाँ। क्या आप अपनी गाड़ी को रोजाना रखना चाहते हो साफ बिना सफाई किए? हाँ जी हाँ। तो देखिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग किट है, जिससे मैं आपकी गाड़ी एक बार साफ करूंगा तो लाइफ टाइम चमकेगी, कभी धूल नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है तुमने, बट कौन से कंपनी से हो भाया तुम? अरे मेरे अपनी लोकल कंपनी है, चोरी मारी कंपनी। क्या चोरी मारी कंपनी? चोरी कंपनी हमारी ब्रांड की नाम है, बट हम लोग काम वही करते हैं जो आप सुन रहे हैं, हम लोग गाड़ी की सफाई करते हैं। तो एक काम करिए, आप अंदर जाके वेट करिए, हम 5 मिनट में आपकी गाड़ी को इतने अच्छे से चमका देंगे कि सालों साल तक कुछ गाड़ी को नहीं होगा। वाह वाह, ये तो अच्छी बात है,
फिर देखना ग्रैनी मुझे बोलेगी कि मैं गाड़ी को कितने अच्छे साफ रखता हूँ। ठीक है भाई साहब, पूरा गाड़ी क्लीन कर दो, चकाचक कर दो। चलो अब मैं भी अंदर जाके आराम कर लेता हूँ। मजा आएगा, आग जलाता और यहाँ पे बैठ के आराम करूंगा। अरे गाइस यार, ये लोग कितने बेवकूफ है, मतलब कि सच में यार कितने ज्यादा बेवकूफ है, ये मान भी गया। चलो एक काम करते, इसकी गाड़ी को लेके यहाँ से रफू चक्कर आते। एक सेकंड गाइस यार, ये तो भाई नई वाली स्कॉर्पियो है और देखो तो यार क्या ही खतरनाक है, मतलब सच में यार भाई क्या ही बड़ी और खतरनाक है। इसे तो भाई बिग डैडी कहते हैं। ये गाड़ी पता नहीं ये लोग के पास कैसे आ गई, बट अब ये गाड़ी मेरी हो चुकी है, अब आने वाला है बहुत ही मजा। चलो तो गाइस यार एक काम करते, इसे भाई घर लेके जाते, मतलब देखो तो यार क्या ही मजा आ रही है गाड़ी में चलाने में। ओ माय गॉड, ये गाड़ी तो सच में बहुत ही कमाल की है। मैंने एक गाड़ी तो चोरी कर ली, अब बचा है ग्रैंडपा का थार, अब भाई मुझे वो चोरी करना है। तो एक काम करते, इसे जल्दी से घर से रख के आते हैं, उसके बाद देखते ये ग्रैंडपा अपना थार कहाँ पे छुपा के रखा है, उसे भी तो चोरी करना है। अरे एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी भी चमकाने दे देता हूँ। चलो चलो एक काम कर दो, अपनी गाड़ी भी लेके आता हूँ और उसे चमकाने दे दूंगा, दोनों ही गाड़ी चमक जाएगी तो कितना अच्छा होगा। वाह वाह ग्रैंडपा, क्या ही दिमाग लगाया है। मेरी गाड़ी थार ये रही, मैं यहाँ पे पार्किंग में लगा के रखा हूँ, अब जाता हूँ और इसे भी चमका देता हूँ, पूरे तरीके से चमक जाएगी ये वाली गाड़ी भी, तो क्या ही मजा आ जाएगा। चलो चलो जल्दी से जाता हूँ इसे गाड़ी को चमकाने। चलो एक सेकंड, यहाँ पे तो ग्रैनी की गाड़ी हुआ करती थी, कहाँ चली गई, वो बंदा कहाँ चला गया, कहाँ गया वो बंदा गाड़ी लेकर के। अरे अगर वो गाड़ी नहीं मिलेगी तो ग्रैनी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो बंदा यहाँ है और अब तुझे बताता है कहाँ गया ग्रैंडपा, ये ले भाई यार, अब इसकी गाड़ी लेके भागता हूँ। फाइनली गाइस यार, मैंने भाई महिंद्रा की थार भी चुरा ली। ओ माय गॉड, ये गाड़ी तो कमाल की है। चलो यार यहाँ से जल्दी से निकलते। भाई यार देख रहे हो यार, क्या ही कमाल की गाड़ी है, चलने में भी क्या ही मस्त है। मैंने सोचा नहीं था कि महिंद्रा थार भाई ये लोग के पास होगी, और देखो यार क्या ही मस्त तरीके से ये गाड़ी चल रही है। चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं तो वरना भाई ग्रैंडपा मुझे छोड़ेगा नहीं। चलो यार, और गाइस यार इसका इंटीरियर तो देखो यार क्या ही कमाल का है। ओ माय गॉड, ये नया वाला महिंद्रा थार है और भाई इसे चलाने में और भी मजा आ रहा है। गाइस इसे ऑफरोडिंग कराने ले जाऊंगा तो क्या ही मजा आ जाएगा, मतलब ऑफरोडिंग में तो ये कीचड़ के ऊपर से बातें करने लगेगी। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि इसे ऑफरोडिंग में ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। अरे क्यों ना ले जाओ भाई, अब ये गाड़ी तो हम लोग ने चोरी करके अपने पास ही रखी है, थोड़ा ऑफरोडिंग भी कर लिया जाए। चलो यहां से ऑफरोडिंग हल्का सा करके देखते हैं कि ये गाड़ी ऑफरोडिंग में कैसी है। ओके ऑफरोडिंग में तो सही लग रही है गाइस यार, देख रहो चलने भी सही है। ओ देखो ऑफरोडिंग में गाइस यार ये सही है गाड़ी, देख रहो चलने में भी एक नंबर चल रही है। मैं क्या बताओ, वो लोग की गाड़ी मैंने चोरी कर ली और यहाँ पे मैं ऑफरोडिंग कर रहा हूँ। ऑफरोडिंग खत्म करके ये गाड़ी को घर ले जाऊंगा, और दोनों ही गाड़ी महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो एन है उसके पास, स्कॉर्पियो एन नई वाली, तो दोनों ही आपको दिखाता हूँ। चलो यार इसे थोड़ा सा ऑफरोडिंग किया जाए, अब घर की तरफ निकलते हैं। तो फाइनली गाइस यार हम लोग ने भाई दोनों की दोनों गाड़ी चोरी कर ली है, ग्रैनी और ग्रैंडपा की। ये देखो ग्रैनी की गाड़ी और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन नई वाली, जिसमें भाई सनरूफ भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्या ही कमाल की सनरूफ भी है जिसमें आप चढ़ करके भाई मजे कर सकते हो। ये गाड़ी तो सच में कमाल की लाजवाब है। और भाई ये रही महिंद्रा थार, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि ये दोनों गाड़ी से हम लोग ऑफरोडिंग या फिर कोई मस्ती वाला ट्रिप करने जाए कि नहीं जाए। और भाई पता नहीं यार ग्रैंडपा का क्या हालत होने वाला है जब ग्रैनी आएगी और देखेगी उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। नींद तो पूरा हो गया, जाती और देखती हूँ कि अपनी गाड़ी चमकी कि नहीं चमकी। ओए अपनी गाड़ी कहाँ है, ओए नीचे ग्रैंडपा तो खड़ा है, ओए ग्रैंडपा अपनी चमचमाती हुई गाड़ी कहाँ है। ग्रैनी मैं क्या बताऊँ, एक लड़का आया था, वो बोला था गाड़ी साफ कर दूंगा, और साफ के नाम पे मेरी और तुम्हारी दोनों ही गाड़ी लेके चला गया। तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में मेरी गाड़ी भी चली गई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगी, चलो अंदर चलो। बचा लो ऊपर वाले, बचा लो, मर के भी शांति नहीं मिली इस औरत से, बचा लो मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी चमचमाती हुई नई गाड़ी चोरी हो गई।